तो ये शेर दिए औरतों की एक शेरनी सरदार है, तो मैं इनको दुआ देता हूँ कि सैयदा माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम का जज्बा इनको होता हो और कामयाबी। मौजूदीन तमाम जो डाइस के पर मौजूद हैं, मेरे शिवाजी नगर हल्के के तमाम साहिबान अजने भाई वगैरह जो सब मौजूद, आप सबको सलाम करती हूँ। डॉक्टर जाहिदा खान मेरा नाम है। आइंदा जब भी कभी मौला अली पंजतन पाक की तरफ से और जो भी तंजीमें प्रोग्राम्स मुलाकात करें, उनसे ये गुजारिश है कि हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कुरान की आयत और हमारे मौला अली का जो पैगाम है, उसको इस हर एक आपके फंक्शन का एक हिस्सा बनाए, और वो है तालीम, एजुकेशन, जो हम लोगों के लिए बे इंतहा ज़रूरी है। आप जानते हैं कुरान में आयत उतरी है, कुरान में पूरी की पूरी एक सूरह उतरी है इल्म के मामले में। इल्म के बगैर हमारे हालात आ जाते हैं। हम बहुत सारे तकारीर करते हैं, हम बहुत सारे मौजू पे बातें करते हैं, फंक्शंस करते हैं, लेकिन तालीम की वजह से हमारा नौजवान आज पार्लियामेंट में नहीं है। हम आज एमपी के सीट्स में कभी महसूस कर रहे हैं, हम आज एमएलए के सीट्स हमारे पास नहीं है। वजह क्या है? हम तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम के बगैर काम नहीं होगा। जितने भी बड़े बड़े फंक्शन आप कर रहे हैं, हमारे तमाम उलमा हजरात, हमारे तमाम आलिम दीन, हमारी कुरान, हमारा अल्लाह, हमारा रसूल, हमारे उल्फाए राशिदीन, हमारे औलिया, हमारे सूफिया, ये सब हमारे हैं। इस्लाम वही एक वाहिद दीन है जो सारी दुनिया पे अदल और इंसाफ का बन के हुकूमत कर सकता है, और इस इस्लाम को लाने के लिए मुसलमानों को आगे बढ़ना होगा, तालीम के हथियार को अपने हाथ में लेके। मैं जिस एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, जिसकी मैं हेड हूँ, वो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है। वो आप जैसे लोग हैं जो आके नौजवानों को तालीम याफ्ता बना रहे हैं। यहाँ पे कितने नौजवान होंगे जिनके हाथ में आज जॉब नहीं है? वो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स जॉब देती है, तालीम देती है, और आप लोगों को सब काबिल बनाती है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले। इस बात का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।